टेक टू इंटरएक्टिव के सीईओ की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, जहां उन्होंने गेम के अनाउंसमेंट की डेट रिवील करी है। सो आज गेम्स गॉसिप इंडिया की इस नई वीडियो में जानेंगे कि ये असली है या नकली, एंड साथ में रॉकस्टार गेम्स के अंदर जो बड़े चेंजेस हुए हैं वो भी जानेंगे। फिर एक सेलिब्रिटी भी गेम में आ सकते हैं, उसकी भी बात होगी। एक कंप्लीट राउंड अप देने वालों GTA 6 लीक्स न्यूज एंड रूमर्स का फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। सो अभी कुछ ही दिन पहले GTA 6 स्पैम नाम के एक ट्विटर यूजर ने कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी, जो सुनने में तो टेक टू इंटरएक्टिव के सीईओ स्टॉ जेलने की लग रही है, और वो कहते हैं कि नेक्स्ट GTA या GTA 6 के अनाउंसमेंट अक्टूबर 3 को होगी और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में गेम रिलीज हो जाएगा, जिस वजह से वो $8 बिलियन की नेट बुकिंग्स का गोल अचीव कर पाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद इस ऑडियो को कॉपीराइट लगा के हटा दिया गया, एंड इससे बहुत लोगों को लगने लगा कि ये रियल होगी, तभी तो हटाई गई है, एंड फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बट बाद में जब डीप एनालिसिस किया तो पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है यार, बिकॉज इस रिकॉर्डिंग को पोस्ट करने वाले यूजर ने कहा कि उसे किसी ने रिकॉर्डिंग DM करी थी, एंड जिसने वो करी थी उनका ट्विटर अकाउंट बस सितंबर में ही बना है। ऊपर से कॉल रिकॉर्डिंग AI से बनाई जा सकती है, क्योंकि मार्केट में 11 लैब्स जैसे टूल्स हैं जिससे आप किसी भी वॉइस को बस कुछ ही मिनट में क्लोन कर सकते हो और कुछ भी बुलवा सकते हो उनसे। अब लोग कह रहे हैं कि यार बीच में वो खांसते भी तो हैं, जिससे रियल हो सकती है रिकॉर्डिंग, बट ऐसे इफेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। इवन रिकॉर्डिंग में एक जगह वो GTA 6 को VI बोल देते हैं, और ऐसी गलती सिर्फ AI टूल ही कर सकता है, रियल इंसान नहीं। इवन ये सब भी छोड़ो, स्ट्रॉस जेलनेक, जिन्होंने आज तक GTA 6 का नाम नहीं लिया अपने मुंह से, तो एक इन्वेस्टर की मीटिंग में ये सब क्यों कहेंगे? ऐसा करना इलीगल है, बिकॉज उन पे स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, एंड इवन जेल भी हो सकती है। मतलब साल के $42 मिलियन कमाने वाले जेलनेक ऐसा रिस्क क्यों ही लेंगे? सो मुझे तो लगता है कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल फेक है, एंड आपको इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कभी GTA 6 की अनाउंसमेंट आएगी तो वो रॉकस्टार की तरफ से आएगी, ना कि टेक टू की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज है कि रॉकस्टार के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राइटिंग माइकल अंसवर्थ ने अब कंपनी छोड़ दिया आफ्टर 16 ईयर्स। ये अवार्ड विनिंग राइटर है, एंड आप देख ही सकते हो कि GTA 5 के राइटिंग क्रेडिट्स में उनका नाम था, एंड इवन RDR2 के राइटिंग क्रेडिट्स में भी उनका नाम था। इन्होंने 2007 में कंपनी ज्वाइन करी थी, जिसके बाद इन्होंने मैक्स पेन 3, RDR, LA Noire, GTA 5, RDR 2 जैसे गेम्स पे काम किया है, और अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके लिंक्डइन को देख के लग रहा है कि ही हैज लेफ्ट द कंपनी। अब कुछ लोगों का मानना है कि यार इससे ना GTA 6 पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज रॉकस्टार के गेम्स उनकी अच्छी स्टोरी एंड राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, एंड हम देखें तो तीन मेन राइटर्स में से डैन हाउजर ने 2020 में कंपनी छोड़ दी थी, और अब माइकल अंसवर्थ ने भी छोड़ दिया है। तो एक कंसर्न तो है भाई, बट GTA 6 के लिए नहीं, फ्यूचर में आने वाले गेम्स के लिए, क्योंकि जैसे टेस्ट 1 ने भी कहा, GTA 6 अगर 2024 या 2025 में आने का टारगेट रख रहा है तो उसकी राइटिंग तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी होगी। इवन GTA 6 या उसके बाद आने वाले गेम की राइटिंग भी शायद हो गई होगी, इसलिए उनकी जाने से GTA 6 पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड वैसे भी लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए या रिटायरमेंट के लिए या बेटर पे के लिए कंपनी स्विच करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देन रॉकस्टार गेम्स ने एक नया स्टूडियो ओपन किया है लॉस एंजेलिस में। बेसिकली उन्होंने स्टैंडर्ड डिविजन नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो मोशन कैप्चर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में स्पेशलाइज करते हैं, एंड उसी को रीनेम करके रॉकस्टार LA कर दिया जाएगा। सो अच्छा ही है, वो अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे आने वाले गेम्स में उनको हेल्प भी मिलेगी। फिर एक र्यूमर आ रहा है कि शायद जो रोगन GTA 6 में आने वाले हैं। जिनको नहीं पता, जो रोगन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉडकास्टर हैं, एंड इनके पॉडकास्ट का नाम है जो रोगन एक्सपीरियंस। बिलियनर से लेके फिल्मर से लेके हर बंदे के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया है, बट अब शायद इनकी आवाज GTA 6 के रेडियोज में भी सुनाई देगी हमें। वेल ये र्यूमर आ रहा है ऑडियो वाइजर की तरफ से, सो वी डोंट नो कि ये कितना सही रहेगा, बट अगर पास्ट में देखें तो रॉकस्टार ने कई सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब किया है फॉर रेडियो, लाइक कान्ये वेस्ट या केंड्रिक लैमार, एंड ये मूव जो रोगन के लिए भी अच्छा हो सकता है, बिकॉज वो एक नई ऑडियंस तक पहुंचेंगे, बट ओनली टाइम विल टेल कि ये र्यूमर कितना सही है। देन एक और र्यूमर काफी फैल रहा है कि GTA 6 जब आएगा तो उसका प्राइस टैग होगा $150 का, विच इज क्रेजी, एंड इसलिए फैंस परेशान भी हैं, एंड काफी तो ये भी कह रहे कि भाई गेम कितने में भी दे दो हम ले लेंगे। अब ये र्यूमर्स इसलिए सामने आए हैं बिकॉज गेम का बजट $2 बिलियन माना जा रहा है, जो इसे वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना देगा। इतना पैसा आज तक किसी गेम या मूवी पे नहीं खर्चा गया है, बट ये नंबर्स ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है, एंड हमें नहीं बोलना चाहिए कि इस जनरेशन के कंसोल्स का एक फिक्स प्राइस टैग रहने वाला है, और वो है $70। हाँ, अगर कोई प्रीमियम एडिशन आता है या डीलक्स एडिशन आता है तो वो $100 के भी ऊपर जा सकता है, बट बेस गेम तो $70 या फिर ₹5,000 में मिल जाना चाहिए। सो बस यही थी ऑल न्यूज अबाउट GTA 6। आगे कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर आपको माया नगरी का लेटेस्ट गेम पे रिव्यू देखना है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, एंड रॉकस्टार के सीक्रेट बट कैंसिल्ड गेम्स के बारे में जानना है उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।